नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस डिजिटली युग में ऑनलाइन प्रक्रिया से भुगतान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। खासकर सरकारी विभागों में ऑनलाइन भुगतान करने का एक फायदा यह भी है कि सारी प्रक्रिया आपके आंखों के सामने होती है और इसके लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए कई तरह के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने अपने कई विभागों में ऑनलाइन भुगतान को शुरू किया है। इसमें से एक जमीन का रसीद भी है। ऑनलाइन खेत खलिहान का रसीद बेहद आसान है। पहले आपको अपने ब्लॉक में जाकर अपने खेत या जमीन का रसीद कटवाना पड़ता था और इसके लिए कर्मचारियों के चक्कर लगाते लगाते पसीने भी छूट जाते थे, लेकिन अब सब कुछ आपके फोन से ही हो जाएगा। आपको अपनी जमीन से संबंधित कुछ सुधार करना है या जोड़ना है या फिर भुगतान करना है तो आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे जो कि हम आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि इस प्रक्रिया से पहले आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। पहला, पुराना रसीद जिस पर नाम और खाता नंबर लिखा हो, और दूसरा डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जिससे आप ऑनलाइन भुगतान कर सकें। इस प्रक्रिया में सबसे पहले आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके लिए आप गूगल पर बिहार भूमि टाइप करें, जिसके बाद सबसे पहले लिंक आपको biharbhumi.bihar.gov.in आएगा। इसे आप खोल लें। आपके सामने अब वेबसाइट खुल गया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको ऑनलाइन लगान पर क्लिक करना है। आगे आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको ऑनलाइन भुगतान करें का ऑप्शन दिखेगा, उसे आप क्लिक कर ले। इसके बाद स्क्रीन पर आपको सर्च लैंड का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको जिला का नाम, अंचल का नाम सेलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। फिर अपने हलका, मौजा, भाग, वर्तमान संख्या और पृष्ठ वर्तमान संख्या को भर ले। यदि आपको अपना भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान पता नहीं है तो इसे जानने के लिए जमाबंदी पंजी के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बारे में पता कर लेना है। सर्च पर क्लिक करते ही वह जमीन किन के नाम पर है और जमीन का खाता संख्या क्या है, यह सभी जानकारी नीचे दिखने लगेगी। लगान देखने और रसीद काटने के लिए आपको वहां पर देखे बटन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर रैयतधारी का सारा विवरण दिखने लगेगा, जैसे कि लगान का कुल पिछला बकाया क्या है और कुल कितना राशि अभी देना है। ये सब देखने के बाद आप नीचे में रैयत का नाम, मोबाइल नंबर और पूरा पता भर दें। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आप ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक कर ले। इसके बाद आपको ई पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जिसे सेलेक्ट करने के बाद वहां लिस्ट में दिए गए अपने बैंक के नाम को चुन ले जिसमें आपका अकाउंट खुला हो। यहाँ आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, तो इसे कर ले। पेमेंट करने के बाद आप खुद ही फिर से बिहार सरकार के लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज भी आपके सामने आ जाएगा। अपना नया लगान रसीद अगर आपको देखना है तो लगान रसीद ऑप्शंस पर क्लिक करें और अब आपको आपका नया रसीद देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो रसीद का प्रिंट आउट या फिर स्क्रीनशॉट निकलवा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाकर बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए जमीन का ऑनलाइन रसीद काट ले और अपने समय व एनर्जी दोनों को बचा ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।